हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग कोमल। गुड मॉर्निंग। अभी उठे ही हैं, जस्ट अभी उठे हैं गाइस। पर लेटे हुए थे, उठे तो हम सुबह के ही हुए हैं, पर मैं उठी अब हूँ, खड़ी अब हुई हूँ। पर लेट गई थी, खुशी का नाश्ता बनाकर मैं लेट गई थी, और सुबह हो गया, हमारा सिलेंडर ख़त्म। तो सिलेंडर वाले को फ़ोन किया हुआ है, भैया सिलेंडर दे जा, सिलेंडर दे जा, वो अभी तक नहीं आया। बस आने वाला है, रास्ते में होगा सिलेंडर वाला भैया, बस सिलेंडर लेके आ रहा है। फिर ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, तो ब्रेकफास्ट करेंगे कोमल और मैं। क्यों कोमल? उठो बेटा, ट्यूशन भी जाना है कोमल का, ट्यूशन का भी टाइम हो रहा है, आज जाना है कोमल ने 3 बजे। तो 11:15 हो चुके हैं, 11:15 कितना टाइम हुआ है, 12:45 हो चुका है, 12:45 बज गया है, अभी तक सिलेंडर वाला नहीं आया। बस सिलेंडर वाले का वेट कर रही हूँ, आएगा तो ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। ये तो शुक्र है गाइस की सुबह खुशी का लंच बन गया। खुशी का लंच बनते ही पैक कर दिया उसका लंच, तो उसका लंच बनते ही सिलेंडर हो गया था ख़त्म। तो मिलते हैं आपको गाइस थोड़ी देर में, बाय बाय। अभी सिलेंडर वाला तो आया नहीं है, तब तक मैंने अपनी पढ़ाई भी कर लिया, ट्यूशन में टेस्ट था, तो मम्मी भी निकाल दिए कपड़े। मम्मी हाँ फ्रेंड्स, यार अभी तक वो आया नहीं है वो सिलेंडर वाला। मैं कब से सिलेंडर वाले को कॉल करूँ, अभी फिर मैंने कॉल किया, अब 10 मिनट में 11 में आ रहा हूँ। तब तो मैंने मशीन लगा ली थी सुबह, मैं तो कपड़े ही और मशीन लगा के कपड़े धो लिए जाए। मैं धो रही हूँ कपड़े और मेरे बर्तन भी हो गए हैं, मेरे काम हो गया, बस मशीन कपड़े लगाए हुए मैंने, और अब सिलेंडर वाले का वेट कर रही हूँ कब तक आएगा सिलेंडर वाला। चलिए गाइस मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स 2 बज गए हैं, सिलेंडर वाला अभी तक नहीं आया, सिलेंडर वाले के वेट कर रही हूँ। ये सिलेंडर पड़ा हुआ है देने वाला, भैया का वेट कर रही हूँ, भैया अभी तक नहीं आया, भूख लगी हुई है बच्चों को बहुत जोर से, कोमल को लगी हुई है भूख, कोमल बस बिस्किट खा रही है, अभी बिस्किट खा के पेट भर रही है अभी अपना, बस कर रही हूँ उसका वेट। भैया का अभी तक नहीं आया, तो उसको किया था मैंने 1:30 बजे कॉल, तो कह रहा 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट ये हो रहे हैं, 2 बज गया, आधा घंटा और ऊपर हो गया। सुबह का कॉल किया मैंने 9 बजे का, बस सिलेंडर वाला अभी तक नहीं आया, पता नहीं कब तक आएगा सिलेंडर वाला। और कब मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट, सिलेंडर मेरे ख़त्म हो गया तो बहुत मुश्किल हो रही है, एक ही सिलेंडर है मेरे पास, करना पड़ेगा कुछ, एक सिलेंडर हुआ था। तो चलिए गाइस करते हैं वेट, सिलेंडर बोलेगा कब तक आ जाए। पाइप निकाल के रखी हुई मैंने, सिलेंडर बाहर निकाल के रखा हुआ है, ये देखिए सिलेंडर ये निकाल के रखा हुआ मैंने, भैया आए और ले जाए तो उसे सिलेंडर दे जाए। चलिए देखते हैं कब तक आता है, वेट करते हैं। फाइनली गाइस, इतना इंतज़ार करने के बाद 2:20 हो गए टाइम, सिलेंडर वाला आ ही गया, अभी आया सिलेंडर का, देखो टाइम मैं आपको दिखाऊं तो 2:20 हो रही है, 2:20, इतना इंतज़ार करने के बाद भैया सिलेंडर वाला आ ही गया, आ रहा है ऊपर, इतना वेट कराया भैया ने। आवाज़ तो आ रही है सिलेंडर वाला भैया की, पर आ रहा है, ये आ गया भैया हमारा सिलेंडर वाला। ओ भैया ओ, कितना टाइम लगा दिया भैया आपने, 2:30 बजा दिए, बताओ सुबह से वेट कर रहे हैं आज तक कि भैया सिलेंडर आएगा तो नाश्ता बना कर। फ्रेंड सिलेंडर आ गया, बहुत वेट कराया भैया ने। चलो मैं नाश्ता बना के देती हूँ, ब्रेकफास्ट बना के दूँ कोमल को, कोमल का ट्यूशन का टाइम भी हो रहा है, 3 बजे का ट्यूशन है, 2:30 बज गए यहीं पे, तो मैं फटाफट रेडी कर दूँ कोमल के लिए ब्रेकफास्ट। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, बाबा गाइस। फ्रेंड्स मैंने नाश्ता बना लिया है, पर कोमल मना कर रही है ब्रेकफास्ट, मम्मा भी नहीं करना मुझे, मेरा पेट भर गया है बिस्किट खा के। तो मैंने बना दिया परौंठी पनीर वाली और चाय, अंदर बस कोमल खा ले, बस कोमल खा ले, थोड़ी सी खा के जाए, खाली पेट ना जाए, पर फिर भी बिस्किट खाने हुआ है, मैं कोमल को खिलाती हूँ, ट्राई करती थी बनाने का, पर कोमल तो अंदर है नहीं, कोमल अंदर नहीं है, देखते हैं कहाँ है कोमल। कोमल बेटा रोटी परौंठी लाई हूँ खा ले, क्यों नहीं खानी बेटा, ठीक खा लो। कोमल मना कर रही है कि परौंठी मुझे नहीं खानी है, और मैंने एक परौंठी बना दी है, मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा खा के जाए, तो मैं
बहुत टाइम लगा दिया अंदर वॉशरूम में, मैं भी अपने ब्रेकफास्ट रख देती कोमल। चलो ब्रेकफास्ट करो, जल्दी आओ जल्दी जल्दी, थोड़ा सा करके दो बेटा। देख अगर तो थोड़ा सा खाओगे तो अच्छा लगेगा ना, तो मम्मा को भी एक बाइट खा लो, इतनी सी इतनी सी इतनी सी बाइट खा लो इतनी सी, ठीक है जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी। गाइस आ जाइए आप भी हमारे साथ गर्मा गर्म पनीर की परौंठी खा लीजिए। मैंने बनाई है पनीर की परौंठी साथ में चाय, पनीर की परौंठी साथ में चाय। आहा जब तक पंजाबी मक्खन पा के ना खाए तो मज़ा नहीं आता, बहुत यम लग रही है। लीजिए गाइस खाइए आप भी। कोमल को बुला के खिलाऊंगी, थोड़ी सी खिला कर ही भेजूंगी उसको। फ्रेंड्स कोमल तो नाश्ता करके नहीं गई, वो आके करेगी, तो अभी मैं कर रही हूँ काम, तो और साथ में सुन रही हूँ सॉन्ग। अब मैं लगन लगी हूँ फ़ोन में सॉन्ग, तो मिलती हूँ आपको शाम को फ्री होके, बाय बाय। हेलो गाइस आई एम फ्री, आई एम रेडी, मैं फ्री भी हो गई हूँ रेडी भी हो गई हूँ, मेरा काम फिनिश हो चुका है। तो कोमल हेलो हेलो बेटा, तो मैं फ्री हो चुकी हूँ गाइस। ये आवाज़ आ रही है ना आज गाइस, इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे ना मेरे धोने वाले, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, मैं इतना थक गई ना कपड़े धो के। बाहर से बाहर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेरे को थकावट हो गई थी फ्रेंड्स। बस अभी थोड़ी देर, जस्ट आधा घंटा ही हुआ था मुझे, टाइम क्या हुआ अभी 7:45 हो गए हैं, तो अभी थोड़ी देर आधे घंटे पहले ही यानी 15 मिनट पहले मैं फ्री हुई हूँ नहा कर, तो मैं फ्री हूँ अब, बस मैं बनाऊँगी खाना वाना, देखते हैं हम गाइस क्या बनाती हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? बार मच्छर है बेटा, तो गाइस लगता है ब्रेकफास्ट का एक ही गोल है मेरी मम्मी बनाने में, ठंडी हवाओं का मेन गोल है। अच्छा लग रही है गाइस, अभी गाइस नहा कर आई हूँ ना, तो मुझे लग रही है बहुत जोरों से ठंड, सॉक्स भी पहन लिए और शॉल भी ले लिए मैंने, थोड़ी निकली हो जो बनाती हूँ डिनर की तैयारी करती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ। मम्मी जा रही है खाना बनाने, मम्मी उठ गई है, बोली मम्मी मम्मी हाँ बेटा मैं अभी खाना बनाने जा रही है। मैं की तैयारी करने जा रही हूँ मैडम, क्या बना रही हो? बना रही हूँ आलू की सब्जी, आलू की सब्जी और फूल के बना के जल्दी से आई, आ जाइए आपको भी दिखाती हूँ। तो चलो हम चलते हैं मम्मी के साथ साथ और देखते हैं कि मम्मी क्या कर रही है। और मेरा भी सीरियल आया है, मतलब सीरियल तो नहीं है, तो तारक मेहता का सीरियल है, फिर तारक मेहता भी आएगा, तो अभी हम जाते हैं बाहर और जाके देखते हैं कि मम्मी क्या कर रही हैं। इस चलो अब हम चलते हैं बाहर, तारक मेहता भी आ गया है, तो देखते हैं कि मम्मी अब क्या कर रही हैं। चलो हम अभी चलते हैं। मम्मी व्हाट इज क्या कर रहे हो? मिर्ची मत डालना, मिर्ची का डाल दो, तभी मैंने इसमें तेल रख दिया है और अब बना रही है थोड़ा सा खाना, भूख लगी है क्योंकि बहुत ज़्यादा, तो मम्मी अभी बनाएंगी खाना। मम्मा मैं ना 2 मिनट वहाँ की ना कुंडी लगा के आई, मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी
अभी हम इसमें डालेंगे नमक। नहीं अभी नहीं, नमक बाद में डालेंगे। और मैं कट कर रही हूँ हरी मिर्ची, गंदी नहीं पा रही हूँ हरी मिर्ची की, उसका वो व्यू कंची हुआ कंची। ये कंची वैसी ही है कि जिससे हम पेपर काटते हैं, ये सब्जी काटने में भी है। धनिया पाउडर, बस धनिया पाउडर डालो। देखो डाल दो और डाल दो थोड़ा। ये मैं डाली हरी मिर्ची आलू में। हाँ हाँ और डाल दो, सारा डाल दो। हाँ और डालो बस। अब क्या डालो? नमक। अब डालना है इसमें नमक। आराम से डाल, नीचे नीचे करके डाल दो, चीटे ना आए। हाँ नीचे नीचे करके डालो और अपना हाथ बचा के, अपना हाथ बचा डाल दो। हाँ हाँ डाल दो और डालो। थोड़ा सा और डाल दो। देखो डाल दो। अब हम डालेंगे हरी मिर्ची। ओ लाल मिर्च, लाल मिर्च, लाल मिर्च पाउडर डाल दे, सारा डाल दे। ये तो थोड़ी सी है, डालना। ये तो थोड़ी सी मिर्ची है, उसमें से वो निकालो, पड़ी भी बड़ी है मिर्ची। तेज आई है, वो निकाल दे बेटा। ये बोली तेज, इतनी नहीं, पैकेट में होगी हल्दी वहाँ पे। गाइस मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद बनाने। रंग देखो फ्रेंड्स, आलू का, आलू की सब्जी का रंग देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है। तो मैं अब इसको ढक के रख दूंगी। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा पानी डाल दूं और मैं अब साथ ही फुलके में डाल लूँगी। मत करो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सब्जी रख दी है और मैं यहाँ पर फुलके भी उतार रही हूँ। बेटा रुक दो, रोटी टूट जाएगी बच्चे। देखो स्वेटर नहीं पहनती लड़की ना बिल्कुल भी, बच्चों को ठंड नहीं लगती, बताओ। डाल दूं? हाँ अभी नहीं बना। हाँ डाल दीजिए बच्चे, केली डली रोटी। चलो मैं फुलके भी उतार ही लूँ, साथ ही बच्चों को लगी हुई है भूख, तो रोटी सब्जी बनी। फ्रेंड्स मेरा डिनर रेडी हो चुका है, तो हम डिनर कर रहे हैं। बस बड़ी बेटी अभी आने वाली है, तो कोमल को लगी है भूख क्योंकि कोमल ने सुबह भी लंच नहीं किया था, कुछ खाकर नहीं गई थी ट्यूशन। तो कोमल कर रही है अपना डिनर, तो मिलते हैं कोमल बड़ी बेटी खुशी के आने के बाद, अमन के आने के बाद। मैं आपको अमन से भी मिलवाती हूँ, और आ जाइए आप भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए। गाइस डिनर हो गया है रेडी, फुलके और आलू की सब्जी हो गई है रेडी, तो आप भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए गाइस। बाय बाय गाइस। मेरी बड़ी बेटी भी आ चुकी है, रेस्ट कर रही है, वो थक गई बेचारी, काम कुम पे जाती है तो थक जाती है बहुत ज़्यादा। अभी खाना खाना है उसने, डिनर करना है, और कोमल उड़ गई है, सो रही है, लेटी हुई है, फोन देख रही है। तो अब और क्या करें गाइस, अब और कुछ अभी है नहीं करने को। जैसा भी होता है हम सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि आज हमने ये किया और ये हुआ। और अब इसी के साथ मैं वीडियो करती हूँ एंड, तो वीडियो कीजिए आप लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड गुड नाइट।